अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सूप बनाते समय अगर वेजिटेबल स्टॉक का यूज़ करें तो सूप और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है। वेजिटेबल स्टॉक के छोटे छोटे क्यूब्स मार्केट में तो मिलते हैं, लेकिन इन्हें घर पर भी बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर एक भगोने में मैंने ले लिया है 1 लीटर के करीब पानी और उसे खौलने के लिए रख दिया है। और वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए सब्जियाँ काटने के बाद इस तरह से जो चीज़ें रह जाती हैं, जैसे पत्ता गोभी का छिलका, गाजर का छिलका, फूल गोभी के डंठल को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर धनिया पत्ते के भी डंठल को मैंने इस तरह से काट कर साफ कर लिया है अच्छी तरीके से। सारी सब्जियों को धो लें अच्छी तरीके से। गाजर को मैंने धोकर छिला हुआ है और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पानी में डाल देना है। इन सारे छिलकों में बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन सब्जियाँ बनाते समय हम इन सारी चीज़ों को निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन इनसे वेजिटेबल स्टॉक आप बनाएं और इसे आप सूप में यूज़ करें या सब्जी की करी में यूज़ करें तो बहुत ही हेल्दी बनेगी। यहाँ पर पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है धीमी आँच पर और करीब 15 से 20 मिनट तक इसे पका लिया है। फिर थोड़ी देर बाद इसे पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश कर लूँगी ताकि इनमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से बाहर आ जाए और पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं तो अब इनको मैं ठंडा कर लूँगी और फिर छान लूँगी। छान लेने के बाद इसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले इस तरह से वेजिटेबल स्टॉक आप बना लें और फिर 3-4 दिन के अंदर आप सूप में यूज़ कर लें या सब्जियों में यूज़ कर लें। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर सा रंग आया है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है और ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें सारी सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।